हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं चीला। सबसे पहले हमने आलू बॉयल कर लिया है और उसको कस कर लिया है कद्दूकस, और थोड़ा सा लौकी भी हम कस कर लिए हैं। और इसमें अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च और धनिया का पत्ता, थोड़ी सी जीरा डाल देंगे टेस्ट के लिए। इतने से ही काफ़ी अच्छा बनेगा और इसे हम सेंधे नमक में बनाएंगे। हम ले लेते हैं सबसे पहले सारे जो है मिश्रण को ले लेंगे एक भगोने में, क्योंकि पहले लेने से क्या होता है कि हमें आइडिया लगता है कि हमें कितना घोल बनाना है। इस हिसाब से उसमें हम सेंधा नमक भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम सिंघाड़े का आटा डालेंगे, आप कुट्टू का आटा भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी सॉफ्ट चीला बन के तैयार होता है। हम बहुत जल्दी जल्दी में बना रहे हैं क्योंकि हमें सुबह 8:30 बजे तक ही इसे बनाना था हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको निकलना था। हमारे हस्बैंड दोनों लोग व्रत हैं और साथ के साथ हमें जो है सभी लोगों के लिए खाना भी बनाना रहता है, तो इसलिए हम बहुत जल्दी में दिखा रहे हैं आपको। जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप घोल बैटर बना के रख लें। सबसे पहले हम एक गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, और कढ़ाई हमने रख दिया है नॉन स्टिक। इसमें हम हल्का सा रिफाइंड ऑयल लगाएँगे, व्रत का सनफ्लावर है। आप घी में भी बना सकते हैं, हम घी खाते नहीं हैं तो हम इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। इसे हम गर्म होने देंगे और इसमें हम चीला डालेंगे। आप देख सकते हैं इसे हम फैला देंगे, जितना बड़ा हमारा कढ़ाई का नीचे तली है उतना बड़ा ही हम ले लेंगे। आप छोटा छोटा भी बना सकते हैं, क्योंकि बड़ा को थोड़ा सा इसमें सेपरेट करने में टाइम लगता है, और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। हमें बहुत जल्दी था सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, बच्चों का स्कूल है, फिर ऑफिस है, फिर और चीज़ें हैं। अब इसे हम ढक देंगे, इसको हमें तब तक रखना है जब तक कि ऊपर से सूख ना जाए, ऐसे सूखा सूखा ना लगे। लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हम जल्दी में थे, इसलिए हम बहुत झटपट झटपट बना रहे थे। बाद में हमने जो भी बनाया है काफ़ी अच्छा बन के तैयार हुआ था, अपने लिए भी हम बनाए थे यही चीज़। और इसे आप चटनी से या दही से या नारियल चटनी, मूंगफली चटनी, जिससे भी आपका मन करे उसी से। अभी आप देख सकते हैं ये इसको बैलेंस नहीं कर मिल रहा है, क्योंकि और ऊपर से अभी सूखा नहीं है और हमें हो रही है जल्दी। अभी से हम पलट देंगे, तवा में हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि तवा जो है थोड़ा सा चिपकता है, इसलिए उसमें नहीं, इसलिए कढ़ाई में ही बना रहे हैं। ये हमारा चीला बन के तैयार हो गया है, लेकिन आप इसे थोड़ा टाइम दें, थोड़ा टाइम देने से काफ़ी अच्छा बन के तैयार होता है। बाद में जो मैं अपने लिए बनाई थी, क्योंकि मुझे घर पे ही रहना है तो हमें तो चाहे जब बना के खा लेते। अभी हम छोटा छोटा बनाएंगे ताकि जल्दी फटाफट बन के तैयार हो जाए, टिफ़िन भी रखना है और हस्बैंड को खाना भी था। और ये खाने में काफ़ी टेस्टी बना है, इसे आप चाय से भी खा सकते हैं, चाहे तो चाय से भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे चटनी से, दही से, जो मन करे आप जैसे। इसे हम ढक देंगे, फिर आप इसमें लौकी की जगह पर और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें लौकी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए हम आलू से थोड़ा बाइंडिंग अच्छा होता है, आलू को हम सुबह ही उबाल लिए थे। अगर हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी तो एक बार बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। पूरी पराठे की जगह पर एक बार चीला बना के ट्राई ज़रूर करिएगा, और बहुत सॉफ्ट बनता है, कम तेल में बन के तैयार हो जाता है। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड, ये हमारा चीला बन के तैयार हो गया है, अभी हम सारे चीले को निकाल लेंगे। ये देखिए, धन्यवाद फ्रेंड।